Hello friends, wishing you a very happy and a cheerful Holi. So today we are going to discuss the current affairs from 22nd March to 27th March, okay? So first one is the Bihar Diwas celebrations. So 22nd March को जो है बिहार दिवस सेलिब्रेशन होती हैं, ठीक है? इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटिश कार्व्ड आउट द स्टेट ऑफ द बिहार फ्रॉम द बंगाल इन 1912, ठीक है? बिहार को जो है वो बंगाल से कार्व आउट किया है, यूपी से नहीं है, झारखंड से नहीं है, एमपी से नहीं है, ठीक है? ये याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ नगर वन स्कीम. अब क्या है, रिसेंटली दिस स्कीम विल हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द अर्बन फॉरेस्ट इन द सिटीज़, ठीक है ना? ड्यू टू ग्रेट अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, सिटीज़ में जो है पॉल्यूशन लेवल जो है वो राइज हो रहा है, ठीक है? तो इस पोल्यूशन वगैरह से थोड़ा लड़ने के लिए, थोड़ा एक काम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर को थोड़ा लाने के लिए जो है नगर वन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है? इसका पर्पस क्या है कि अर्बन फॉरेस्ट हमने डेवलप करने हैं सिटीज़ में, ठीक है? तो इट विल हेल्प टू फिल द गैप बिटवीन द सिटीज़ एंड द विलेजेस इन द टर्म्स ऑफ हैविंग देयर ओन फॉरेस्ट कवर. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपको याद रखना है कि जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फॉरेस्ट कवर है वो कौन सी है, स्टेट्स हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है? अभी रिसेंटली क्या हुआ, इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई, उसमें जो है 5 स्टेट्स जिनमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू द रिपोर्ट ऑफ 2017, तो वो कौन सी हैं? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर एंड द नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश. तो ये याद रखना, J&K जो है वो 4th नंबर पर है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाटर डे. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22nd March, ठीक है? थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर. वाटर की क्या है, वैल्यू करनी है, हमें पानी को जो है वो वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? अब आपने मुझे बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है जो वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 जो फॉलो करता है, ठीक है? तो आपने मुझे ये बताना है. नेक्स्ट इज़ हु वन द गोल्ड इन द पैराशूटिंग, ठीक है? पैराशूटिंग का जो है इवेंट्स ये कहाँ पे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं अल इन द UAE. इसी के नीचे क्वेश्चन है, ISSF का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में दिल्ली में हो रहा है, ठीक है? ये दोनों याद रखना, पैराशूटिंग का UAE में हो रहा है और ISSF का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है? इंडिया के जो पैरा एथलीट हैं सिंगराज, उनको जो है गोल्ड मेडल जो है वो मिला है, ठीक है? ये याद रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है. एज सच दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछ सकते हैं पैराशूटिंग और ISSF का वर्ल्ड कप. नेक्स्ट इज हु लॉन्ग द होलिस्टिक एंड द सस्टेनेबल विजन फॉर द ग्रेट निकोबार के लिए होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल विजन जो है वो किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने. बस इतना सिंपल सा है, इसे याद रखना. नेक्स्ट इज अब यहाँ पे गोल्ड किसको मिला है, वो है यशस्विनी देसवाल, ठीक है? और मनु बकर को जो है वो सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है? तो ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नवरोज डे, ये 21st March को सेलिब्रेट होता है, ठीक है? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया नवरोज फेस्टिविटीज़ एट द SCO सेक्रेटेरिएट इन बीजिंग, ठीक है? ये याद रखना, SCO के सेक्रेटेरिएट कहाँ पे हैं, तो ये हैं बीजिंग में. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज 23rd March को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टर्स डे. क्यों करते हैं, क्योंकि 3 फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्हें इस दिन जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी लगा दी गई थी, और वो कौन कौन से थे, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु, ठीक है? नेक्स्ट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, सेलिब्रेट करते हैं 23rd March को, जिसकी थीम क्या है, द ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर, सिंपल. नेक्स्ट इज गांधी पीस प्राइज. हाँ, नाउ दिस बिकम्स लिटिल इम्पॉर्टेंट. इसमें जो है 1 करोड़ रुपीज़ जो है जिसको ये प्राइज़ मिलता है उसको मिलते हैं. रिसेंटली अभी 2020 में ये प्राइज़ जो है वो किसको मिला है, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहते हैं. आपने मुझे बताना ये प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के थे, ठीक है? और 2019 में ये मिला था सुल्तान कबूर बिन सैद अल, ये थे ओमान से. क्योंकि जो JKSSB का जो एग्ज़ाम्स है वो कभी पिछला भी पूछ लेते हैं, 2018-19 का, ऐसे से जितना इसमें ओल्ड जाने की ज़रूरत नहीं है. 2019 का भी याद रखना कि जो सुल्तान कबूर बिन सैद अल हैं ओमान से, उन्हें मिला था, ठीक है? नेक्स्ट इज़ द नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019. ये 2019 के फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है? रिसेंटली अभी डिक्लेयर हुए हैं 2019 के, ठीक है? नेक्स्ट इज़ जो बेस्ट फीचर फिल्म, तो ये बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो किसको मिला है, मराकर अरेबिका दिलिंथ सिम्हम, फ्रॉम मलयालम है, ये मलयालम मूवी है. देन बेस्ट डायरेक्शन में मिला है संजय पूरन सिंह को. बेस्ट एक्टर इज़ मनोज बाजपेयी एंड बेस्ट एक्ट्रेस इज़ कंगना रनौत. ऐसे क्योंकि बहुत ज़्यादा अवार्ड्स होते हैं, इतना इनको लर्न करना, इसका कॉस्ट बेनिफिट इतना अच्छा नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज इंडिया इज़ बिल्डिंग द पक्कल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है ऑन रिवर मारू सदर, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, ठीक है?
इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो मारू सदर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की, और ये पक्कल दुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, कौन से रिवर पे जो है वो बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल। अब ये 10 मीटर एयर राइफल में जो किसको गोल्ड मिला है वो है दिव्यांश सिंह पनवर एंड द 11L वाला रिबन, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, एज सच आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पर्सनैलिटीज़ के नाम याद रखने हैं कि ये शूटिंग के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड टीबी डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24th March एंड द थीम इज़ द क्लॉक इज़ टिकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंडिया ने बोला था कि हम 2025 तक जो है टीबी को ख़त्म कर लेंगे, तो क्लॉक इज़ टिकिंग से मतलब है कि घड़ी जो है वो जल्दी जल्दी चल रही है, लेकिन हमारे केसेस जो हैं वो एकदम से कम नहीं हो रहे, मतलब केसेस अभी भी हमारे उतने हैं, तो टाइम को देखते देखते जल्दी जल्दी हमें जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे इसको कम करने के लिए, ये पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए पहली एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश, ये याद रखना। नेक्स्ट इज़ अंडमान एंड निकोबार अचीव्स 100% FHTC, ओके, फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। मैंने आपको पहले जल जीवन मिशन जो है वो स्कीम करवाई हुई है, ठीक है। तो बाय 2024 तक हमें फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन सबको देना है, 55 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार जो है ये थर्ड स्टेट बनी है, सॉरी यूटी, टू अचीव द टारगेट अंडर द जल जीवन मिशन, और पहली दो कौन सी थी, गोवा एंड तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट इज JKTPO एंड द TPCI साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन द MOU विद द ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट हैज़ बीन साइन फॉर द एग्रो एंड द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड द फिल्म टूरिज्म। ये दो चीज़ों के लिए फोकस करेगा, वो क्या क्या होंगी, एग्रो एंड द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना टू पार्टिसिपेट इन द SCO एक्सरसाइज, ठीक है। तो पाबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज का नाम है, तो इंडिया और चाइना जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंपॉर्टेंट आता है कि SCO के मेंबर्स कौन से हैं, इसको आप ऐसे याद रखो, देखो इंडिया पाकिस्तान चाइना रशिया दोनों साथ साथ, कजाकिस्तान किर्गिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, दो दो का पेयर बना के आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, ये उज़्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, यहाँ पे ही बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे एग्ज़ाम में, ओके, सो माइंड इट। नेक्स्ट इज़ 23 लाख लोन सेंक्शन अंडर PM स्वनिधि। लोन्स जो हैं वो इसके अंडर सैंक्शन किए गए हैं, दैट डेटा इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, वट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इज़ द स्कीम। तो PM स्वनिधि किसके लिए लॉन्च, किसके द्वारा लॉन्च की गई, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। एम क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जैसे ये गोलगप्पे वाले हो गए, या ये जो भी जो ये छोटी छोटी रेडियो वगैरह लगाते हैं, ये उनके लिए है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जैसे फ्रूट्स वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, उनके लिए कि 10,000 तक उन्हें लोन मिलेगा बिना किसी कोलेट्रल के। कोलेट्रल होता है कि जब हम कभी लोन लेते हैं तो उसके बदले कुछ गिरवी रखते हैं, तो उन्हें बिना कुछ गिरवी रखे जो है लोन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा, ये जो स्कीम है कि कोरोना के टाइम पर जो है वो लॉन्च की गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र ये लोग हुए थे, तो इसीलिए इस स्कीम ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इन पशुधन मेला इनॉग्रेटेड एट कठुआ, ठीक है। तो पशुधन मेला कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कठुआ में। तो किसने इनॉग्रेट किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट नवीन कुमार। आपको ऐसे पूछ सकते हैं रिसेंटली द पशुधन मेला इज इनॉग्रेटेड और सेलिब्रेटेड एट, तो आप कठुआ याद रखना। फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, ठीक है, फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम इनॉग्रेटेड बाय द RK माथुर इन करगिल, ठीक है। सोलर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम ये क्या है, इससे क्या होगा कि जो पानी है वो मोटर्स के थ्रू जो है आई थिंक खेतों को जो है वो, हाँ, वहाँ पे रिलीज़ करेंगे, जो बड़े बड़े फार्म लैंड्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट होगा, करगिल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है पहली जो कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, करगिल में एट द लाटू विलेज, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ हु इज़ रिकमेंडेड एज द नेक्स्ट CJI, जो हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं बॉबडे, तो वो अभी नेक्स्ट उनका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है, तो उन्होंने जो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मतलब रिकमेंड किया है कि नेक्स्ट जो है वो जस्टिस NV रमन्ना को अपॉइंट किया जाए, फिर अब देखेंगे कि नेक्स्ट कौन बनते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनका नाम रिकमेंडेशन में है, तो नेक्स्ट जब आएगा कि कौन नए इलेक्ट हुए हैं फिर हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ टूलिप गार्डन ओपन फॉर द जनरल पब्लिक एंड टूरिस्ट, ठीक है। कोरोना की वजह से वो बंद था, तो अब जो है वो लोकल लोगों के लिए जो है वो खोल दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है इन द जबरवान हिल्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द डल लेक इन श्रीनगर, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज मनोदर्पण. अब ये क्या है, द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द ऑनलाइन साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स टीचर्स एंड द फैमिलीज. ठीक है, कोरोना की वजह से जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो भी अफेक्ट हुए हैं लोग उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप जो है वो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा. अब है कुरनूल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड. ये कहाँ पे है, उर्वाकल इन आंध्र प्रदेश. इसका नाम जो है वो क्या है, इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, वेलावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी. ठीक है, फर्स्ट एवर फ्रीडम फाइटर ऑफ द कंट्री. इट्स नॉट कंट्री, इट्स स्टेट. ओके, तो ये वहाँ के जो पहले जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम पे जो है कुरनूल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है. ये मैंने इसलिए कवर किया है, एज सच हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इनका नाम चेंज हो गया. दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो सिलेबस का टॉपिक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज लक्षद्वीप एंड द जे एंड के. बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट आर द फर्स्ट इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर टीबी फ्री. ठीक है, लक्षद्वीप यूटी और जम्मू कश्मीर का बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोनों ऐसी मतलब ये दोनों फर्स्ट हैं कंट्री में जिनमें टीबी जो है मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो है ये डिक्लेयर हो गई है टीबी फ्री. यहाँ पे किसी भी लोगों को जो है वो टीबी जो है वो नहीं है, या अगर होगा तो बहुत कम है, या वो उनके ऊपर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चल रहा है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल. तो शिप टनल मतलब टनल बनाया है जहाँ से शिप्स जो हैं वो अपना कार्गो लेके मूव कर सकती हैं, तो वो कहाँ पे बना है, नॉर्वे में. वर्ल्ड थिएटर डे तो वो 27 मार्च को सेलिब्रेट होता है. रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो है इंडिया का रैंक है वो 40 out of 53. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र भूषण अवार्ड. ये किसको दिया गया है, टू सिंगर आशा भोसले. नेक्स्ट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज. ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एवर एफर्ट था हमारी कंट्री का कि हम एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाए एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो राइज कर रहा है. एयर पोल्यूशन को बाय 20-30% तक कम करना है बाय 2024. ठीक है, ये याद रखना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट इज हु इज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हमारे आधार कार्ड ठीक है ना, ये यहीं से यही रिलीज़ करता है, तो उसके जो CEO हैं वो कौन बने हैं, सौरभ गर्ग. ठीक है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन फॉर द डे. 38th पैरेलल लाइन लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज. तो आपको बताना है कि 38th पैरेलल लाइन कौन सी कंट्रीज के बीच लाई करती है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द यूटी इज द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिलीज द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. तो इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.